हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया होंगे और बाजार की गिरावट से घबरा नहीं रहे होंगे। जो भी पोर्टफोलियो गिर रहा है वो केवल और केवल नोशनल लॉस है। आपको आज की वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपके साथ ये बताने जा रहा हूं कि आज की जो वीडियो है ये एक दमदार वीडियो होने जा रही है। मैं क्या सोचता हूं बाजार के बारे में, ना केवल एक या दो दिन के बारे में, आने वाले आगे के समय के बारे में क्या सोचता हूं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैं सबसे पहली लाइन आपके साथ जो बोलने जा रहा हूं मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस समय पर वर्तमान स्थिति के अंदर आई एम सुपर बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट। सुपर बुलिश का मतलब ये नहीं है कि मैं आज ही सारा पैसा लगा दूंगा, बट हां अब यह पक्का है कि मेरे पास जो भी पैसा है मैं आने वाले 4 महीने में सारा पैसा बाजार में लगा दूंगा, जो भी मेरे पास फ्री पैसा है। और ये मैंने आपको बोला भी था जब बाजार ऊपर जा रहे थे कि देखिएगा मैं पूरी तरीके से इन्वेस्टेड नहीं हूं, अभी भी मैं स्टैगर्ड मैनर्स में बाय कर रहा था, लेकिन अभी भी मेरे पास तकरीबन 40% कैपिटल बची हुई है और वो 40% कैपिटल मैं अब डिप्लॉय करूंगा बाजार के अंदर। ये वो कैपिटल है जो मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए, अदर देन माई ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो मैं ट्रेड करता हूं उसके अलावा वो कैपिटल है। रीजन ये, और मेरे पास मोस्टली जो पैसा है वो पहले का भी है, और जो मेरा मेग मनी होल्डिंग्स के शेयर्स मैंने बेचे थे, कुछ और भी शेयर्स मैंने बेचे थे, तो वहां से मैं इन्वेस्ट करता आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो पैसा भी अभी मैंने सेफ रखा हुआ था। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते भी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, कि वो पैसा मेरे पास बैंक एफडी में पड़ा हुआ है। और बैंक एफडी में मैंने केवल इंटरेस्ट लेने के लिए वो पैसा नहीं रखा था, केवल और केवल इसलिए रखा था कि भाई वो अगर वो पैसा मुझे सीधा सीधा अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में नजर आएगा तो मैं कहीं इमोशनली होके बाजार में ना डाल दूं। तो ये पैसा अब मैं धीरे धीरे करके, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि वो जो एफडीज हैं उनके मुकाबले अगर मैं ब्रेक करके अगर मैं दोबारा भी करूंगा तो तकरीबन 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बट मेरा अब इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा इंटरेस्ट बाजार के अंदर है। वो पैसा सेफ हमने इसलिए रखा था, जो भी हमने रखा था वो शॉर्ट टर्म्स की एफडी थी, नॉट मोर देन 1 ईयर, क्योंकि हमें पता था कि 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर मौका मिलने ही वाला है। तो वो मौका अब आ गया है, अब खरीदारी का समय आ गया है। तो पहली बात तो मैं ये आपके साथ करने जा रहा हूँ कि भाई बाजार गिरेगा, पता है मुझे 3-4 महीने में बिल्कुल बॉटम बन जाएगा, जहाँ भी जाना होगा चुनिंदा शेयर्स आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, भाई ये आपने 20 शेयर्स खरीदने। खरीदने का तरीका बताता हूँ, कल शाम को 3:25 पर जब बाजार बंद होने वाले हो, ये देखिए उस 20 शेयर्स में से सबसे ज़्यादा जो आपके पसंदीदा शेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा है, जो सबसे ज्यादा गिरा हो 6%, 7%, 8%, ये मत देखना टेक्निकल चार्ट वाले क्या बोल रहे हैं या टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, उसको भूल जाइए। जो 7-8% गिरा हो, क्योंकि इतने गिर चुके हैं, अब उसके बाद भी अगर कोई 5-7% गिर रहा है आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में गिरा हो, उसके बाद अगर आपको अगले दिन पैसा लगाना है फिर देखिएगा वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। अब आप कहोगे यार गिरने वाला शेयर क्यों खरीदे, हम तो टीवी देखते हैं, टीवी वाले तो कहते हैं टेक्निकल जो गिरा हुआ है अब उसको क्यों खरीदना, वो तो और कमजोर है। आप फंडामेंटल साउंड को देखिए, टेक्निकल को भूल जाइए, अभी टेक्निकल्स तो सबके खराब हो रखे हैं, टेक्निकल्स तो सबके खराब हो रखे हैं, तो टेक्निकली देखने का समय नहीं है, फंडामेंटली देखिएगा जो कंपनीज कैश फ्लो जनरेट कर रही है। ये तो थी मेरी पहली बात, ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं आगे चल के फॉलो करूंगा, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बट मैं अब जो लो लगे हैं वो लोग कहेंगे 14,000 जाएगा बाजार, 13,000 जाएगा, भैया जो बोलते रहो बोलते रहो, हमें स्टॉक स्पेसिफिकली देखना है, जो हमारे स्टॉक आते रहेंगे हम लेते रहेंगे। अगले 4 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर 50-60 ट्रेडिंग सेशन तो आएंगे ही, 70-80 ट्रेडिंग, तो वो जो पैसा है वो 50-60 ट्रेडिंग में अलोकेट कर लीजिए। नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेट मत करिए, जो पैसा आप लगाएंगे उसको कैलकुलेट करिए, ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। और जो भी शेयर्स आपने लेने हैं उस अमाउंट का वो लिख लीजिए कि मुझे इतना ही लेना है ये, तो उसको आपको जो तरीका बताया जो पहला शेयर है उसमें आप लगा दीजिए जो भी आपके पसंदीदा शेयर्स है। ये तो हो गया जी पहली बात। अब आप कहोगे जी ये आप क्या बता रहे हो, ये बाजार गिरता क्यों है? स्क्रीन पे 7,818 करोड़ की सेलिंग है और ये लगातार अगर आप देखेंगे कि किसी भी वीक के अंदर 2020 को भूल जाइए, उसके बाद किसी भी वीक के अंदर कैश मार्केट के अंदर एफआईआई इसकी हाईएस्ट सेलिंग है,
एक वीक के अंदर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि 6 दिनों में 25,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग है, वहीं पर हमारे DIIs खरीद रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है यार FIIs बेचते रहेंगे, DIIs टूट जाएंगे। भैया ये आज का नए युग का भारत है, और शेयर बाजार में जब व्यक्ति आता है तो शायद उसको इतनी समझ नहीं होती, चाहे वो किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन के साथ आता है, लेकिन बाजार समय के साथ साथ सब सिखा देता है, और जो बाजार में टिक गया लंबे समय तक वही उसके सीखने का मुख्य कारण है। ठीक है जी, और ये मैं आपको बता दूँ, बाजार में आप टिके रहोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार ने आपको बाहर कर दिया, आउट कर दिया, वो सबसे बड़ी जो है आपकी डिफीट है, फिर आप दोबारा नहीं आने की स्थिति में नहीं रहोगे, तो ये सबसे बड़ी जो है आपकी कमजोरी है। तो बाजार में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, भाई साहब ये FIIs बेच रहे हैं, मैं अब इसकी एक घटना बताता हूँ आपको। अभी थोड़े दिन पहले गेहूँ की फसल जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में निकली। अब बताइए, जब गेहूँ की फसल उगती है तो फार्मर उसको अपने घर में स्टोर रखता है अपनी नीड्स के लिए, भाई जितना उसने खाना है, जितना उसकी फैमिली में कंजम्पशन होनी है। उसके बाद का सारा गेहूँ उसने क्या किया बाजार में, वो बाजार में जाएगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन में मंडी में चला जाएगा और जाके सारा गेहूँ बेच देगा। वो ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर गेहूँ के प्राइसेस सबसे मंदे रेट पे होते हैं, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा आती है, लेकिन फार्मर को ज़रूरत है, वो बाजार में बेचेगा बेचेगा। उसको अपने बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, कॉलेज की फीस देनी है, लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, नया घर बनाना है या रिपेयर मेंटेनेंस करनी है, अगली फसल का इंतजाम करना है, या जो बाजार में पैसा उधार ले रखा है उसका निपटारा करना है, ये सब करना है। तो उसके पास तो रिसोर्स है, वो रोक नहीं सकता। लेकिन वहीं पर बिजनेसमैन, मैं आड़तिया बोल देता हूँ, जो फैक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो उसी समय पर उस गेहूँ को स्टोर करते हैं, और 2 महीने या 3 महीने रुकने के बावजूद वो उसी के अंदर जितना फार्मर्स ने टोटल प्रॉफिट अपनी ज़मीन में अपनी मेहनत लगा के कमाया होगा ना 6 महीने में, उतना ही प्रॉफिट आड़तिया 2 महीने में कमा लेता है, जैसे ही वो सप्लाई ख़त्म होती है उसके 2 महीने बाद। अब बाजार में वही परिस्थिति है भाई साहब, पूरा यूरोप संकट में है। ठीक है जी, और यूरोप संकट में यूक्रेन और रशिया का युद्ध का सबसे ज्यादा असर है। उनके घर में सीधी एनर्जी सप्लाई हो रही थी रशिया से, एनर्जी होगी बंद, भैया डबल रेट में खरीदेगा, बिजनेस ठप हो रहे हैं, महंगाई सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है, चाहे यूरोप की बात करो या अमेरिका की बात करो या बाकी। अब उनके फंड्स जब यहाँ इंडिया में इन्वेस्टेड हैं, भैया उन्होंने पैसा किस लिए लगा रखा था, अपनी ज़रूरत के लिए लगा रखा था ना। अब उनके जो इंटरनेशनल फंड्स हैं यार, उन पर प्रेशर है, भैया हमारे को पैसा दो, तो भाई साहब वो एमर्जिंग मार्केट में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। अरे इंडिया ने तो फिर भी अंडर परफॉर्म नहीं किया, आउट परफॉर्म किया है, हम तो 17% गिरे हैं और अमेरिका के बाजार तो 30-32% गिर गए, तो इसका मतलब समझ रहे हो हमारे बाजार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। लेकिन बाजार रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा भाई, वो बेचते जाएंगे, उनको मजबूरी है भाई, वो तो किसान की जगह ना, किसान को तो भैया जो मैंने सारे काम बताए वो करने हैं ना, तो उसको तो फसल बेचनी है, और समझदार कौन है भाई साहब, वो बिजनेसमैन जो उसको स्टोर करेगा। तो आपने बनना है बिजनेसमैन। अरे भैया आज बेच रहा है FIIs, फिर आएगा थोड़े दिन बाद खरीदने के लिए, राइट। यही फार्मर 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोबारा आता है, जी बीज के पैसे दे दो, मेरे को कर्जा दे दो, फिर उसी को आप 2% 3% पे ब्याज पे पैसे चढ़ाओगे, महीने का बोल रहा हूँ मैं, यानी कि महीने का 24% 25%। तो भाई साहब असली सेठ कौन पैसा कमा रहा है? फिर कहते जी किसानों की हालत ख़राब है। बात यह कि किसानों के अंदर लिटरेसी नहीं सरकार पैदा करती। आप फसल उगाना तो बता दोगे, कौन सी फसल उगानी ये नहीं बताते, उसको कब बेचना है वो नहीं बताते, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाती गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे स्कूलों की किताब में तो पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है, जीवन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो तो हमें पढ़ाई नहीं जाती। जो जीवन में जो चीज़ें यूज़ होनी है कि भाई ग्रस्त जीवन में जाएगा तो क्या करना है, बच्चों की क्या जिम्मेदारी है, पिता की क्या जिम्मेदारी है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करेगा, अपने घर में जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित कैसे रखेगा, राइट। वो सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि भाई अगर तेरा स्कूटर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे थोड़ा रिपेयर कर सकता है, गाड़ी तेरी ख़राब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर कर सकता है, घर के कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाए छोटी मोटी कमी तो उनको कैसे ठीक कर सकते हो, वो नहीं सिखाती सरकार। सरकार ये सिखाती है भाई साहब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखिए, और जब तुम यहाँ से स्कूल से कॉलेज से चले जाओ तब भी न्यूज़ चैनल पर केवल पॉलिटिक्स की बातें सुनो,
ठीक है, और हमारे बारे में बातें करो क्योंकि हम ही सर्वोपरि हैं। ठीक है जी, तो ये है हकीकत। और आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी तो डाली नहीं जाती, इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी होती नहीं है भाई। जब 10th स्टैंडर्ड में सारे जान की चीज़ें पढ़ा देते हैं, ठीक है जी, लेकिन वो चीज़ें नहीं पढ़ाते जो फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधित है। मुझे याद है मैं 11th 12th में जब पढ़ता था, हमारे को मैथ्स कौन सा पढ़ाते थे, साइंस वाला, जिसका सी ए में या मेरी कोई एजुकेशन में कोई यूज़ ही नहीं था। साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट वेंजेंट कोई काम नहीं आया हमारे को, लेकिन स्टडी है भाई साहब, और 25 साल से वही चीज़ पढ़ाते जा रहे हैं भाई साहब। कॉमर्स वालों के लिए अलग मैथ पढ़ा देते, पर ये होता नहीं है इंडिया में। और यहाँ पे अब मैं तीसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ, अब तीसरे मुद्दे पर भी मैं बात करूँगा। आज पॉलिटिकल मुद्दा है वो, आज की डेट में अग्निवीरों से संबंधित जो मुद्दा चल रहा है। अरे सरकार बता ही नहीं पा रही कि भाई साहब हम तो पेंशन लेंगे, मंत्री भी लेगा, एमपी भी लेगा, एमएलए भी लेगा, और दोनों को पेंशन मिलेगी। और वो जो 4 साल के लिए अग्निवीर आ रहा है उसको मिलेगी नहीं, गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी नहीं, कानून बनाया, लोगों से पूछा नहीं, ये विरोध हो रहा है। अरे गवर्नमेंट एक बात नहीं समझा रही है भैया, सीधी बात बता दो। जिन लोगों को लगता है ना, मेरा ये अपना व्यू है, क्योंकि सिंगापुर में या हांगकॉन्ग में या जो बाकी कंट्रीज में इस तरीके की एक्टिविटीज़ चलती हैं, कि वो केवल और केवल आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उसमें कोई पैसे नहीं मिलते। ये जो 4 साल का प्रोग्राम है ना, इसमें मैं गवर्नमेंट की इंटेंशन बता रहा हूँ आपको, वो आज से रिलेट कर दिए, मैं बताऊँगा उसको किस तरीके से। गवर्नमेंट भैया आपको 4 साल के लिए नौकरी नहीं दे रही है। ये बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि ये 4 साल आर्मी में नौकरी दे रही है। नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये 4 साल का कोर्स करा रही है और उसके पैसे दे रही है। 4 साल की डिग्री होती है ना, बीटेक करते हो, ठीक है जी, ग्रेजुएशन करते हो, वो 4 साल का प्रोग्राम करा रही है और उसके 20 लाख रुपये दे रही है। सरकार ये बता नहीं पा रही, और उसमें से जो उनके काम के होंगे उसको वो आर्मी में भर्ती कर लेंगे 1/4 को, तो अल्टीमेटली एक जेंटलमैन बना रही है। लेकिन इसको लोगों ने कोरिलेट कैसे कर दिया भैया जॉब है, और ना सरकार समझा पा रही कि भाई तुम चीज़ें बना के आ रहे हो और बता के आ पा रहे हो। तो सिमिलरली हमारे बाजार में भी ऐसी स्थिति होती है कि बाजार के अंदर जब हमारे जो विशेषज्ञ लोग होते हैं वो 90-90 या 100-100 के पी पर उन शेयर्स को खरीदवा देते हैं, और फिर बाद में जब बाजार गिरता है वो कभी ज़िंदगी में वो शेयर्स का भाव आता ही नहीं है। तो ये सिमिलरली बात होती है कि जैसे सरकार अभी अग्निवीर वाली जो मामला उसको नहीं समझा पा रही, और देश में जो तोड़फोड़ हो रही है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। रीज़न ये है कि आप संवाद नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे जो संवाद होता है, बहुत बार हमसे व्यूअर पूछते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई ये इतना महंगी वैल्यूएशन है, क्या ये कंपनी डिजर्व करती है इतनी महंगी वैल्यूएशन? और वो देखिएगा, वो महंगी वैल्यूएशन वाली चीज़ पिछले 10-10, 15-15 साल से वहीं पड़े हुए हैं, मतलब आपको बैंक एफडी की भी रिटर्न्स नहीं दे रहे, लेकिन वो शेयर्स प्रीमियम है। वो प्रीमियम मतलब है ब्लू चिप है, लेकिन वो रिटर्न्स आपको उनकी इतनी मिलेगी। तो सिमिलरली ऐसा होता है कि जो एनालिसिस्ट है वो समझा नहीं पाता कि भाई ये शेयर लेना क्यों है, बस ये कहता है जी बढ़िया, और वो लोग सुनते जाते हैं और भाई अब यही शेयर लेना है। और आप उनकी बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं नाम नहीं ले लूँगा किसी का स्पेसिफिकली। तो ये बात आपको समझनी है। अगली बात मैं आपको समझ रहा हूँ, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो एक फिल्म देखनी पड़ेगी आपको। अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो एक फिल्म देखनी पड़ेगी। बाजार के अंदर ना बहुत पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्बिट्राजर्स हैं, हेजर्स हैं, सटोरी हैं, और एक शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ हालांकि मैं वो करना ही नहीं चाहिए, बाजार में एक ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी जिनका काम ही धोखा देने का है, यानी कि धोखेबाजी करनी है। तो इन सब के बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको एक फिल्म देख लेनी चाहिए, स्कैम 1992। उसमें जो मनु मुंद्रा नाम का व्यक्ति है, जो बियर है, बहुत सारे लोग उसको विलन मानते होंगे कि भाई वो विलन है, लेकिन वो उसकी बिजनेस की मोडरस ओपरेंडी थी। अब उसमें वो किसी भी कैटेगरी में डालिए, उसकी बात को अगर आप समझेंगे, और उसमें जो करेक्टर्स लिए हैं वो आज की ज़िंदगी के अंदर राधा कृष्ण दमानी है या राकेश झुंझुनवाला है, तो वो लोग जो है उस फिल्म के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेड करने से वो कैसे इन्वेस्टमेंट में अपने आप को उन्होंने बदल लिया, और उसके बाद उन्होंने राकेश झुंझुनवाला ने या राधा कृष्ण दमानी ने जिस तरीके से वेल्थ क्रिएट की, वो भी आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। और मनु मुद्रा का भी उदाहरण है कि किस तरीके से बाजार को नीचे गिराते हैं। क्यों गिराते हैं? बाजार में इसलिए गिराते हैं कि लोगों के हाथ से माल निकाल लिया जाए। तो बाजार जब भी करता है एक्सट्रीम करता है, और वहीं पर हर्षद मेहता क्या था, बुल था, तो भाई साहब उसने बाजार को उतना खींचना जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके। तो बाजार में दोनों फोर्सेस होती हैं। तो बाजार जब चलता है ना तो हम बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं, और बहुत लालची हो जाते हैं। .com बबल जिन्होंने देखा तो उनको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियाँ गायब हो गई, और जिस कंपनी के नाम के पीछे .com लिखा होता था उस कंपनी कुछ भी बनाती कोई पता नहीं करता था, बस वो शेयर्स चलता था, और 100 रुपये का शेयर 700-800 रुपये हो जाता था, और आज की डेट में वो कंपनियाँ ही नहीं है। तो ये हर
जो है बुल रन के अंदर होता है। और फिर मनु मंद्रा उन शेयर्स को जब पीटता था नीचे तो वो किस लिए लाता था, क्योंकि जब पहली गिरावट आएगी तो आदमी एवरेज करेगा, दूसरी गिरावट आएगी तो वो और एवरेज करेगा, तीसरी गिरावट आएगी तो उसके मन में डराया गया मेरे तो रोज पैसे गिरते हैं, जब और गिरावट आएगी तो वो सोचेगा भाई मुझे खरीदना नहीं है। और इस केस के अंदर अब इंडिया में एक और स्थिति हो गई है जो उस समय पर नहीं थी, आजकल शेयर्स खरीदने के लिए पैसे भी उधार मिलते हैं। तो अभी क्या होता है, बाजार गिरता है, पहली बार तो क्या होगा, बाजार में अपने पूरे पैसे लगा रखे हैं, जब पहली बार बाजार गिरता है तो वो थोड़ा उधार लेके लगा देता है मार्जिन्स में, थोड़ा और गिरता है तो और मार्जिन्स में, उसके बाद और बाजार गिरता है तो वो मार्जिन को मैनेज कर लेता है। और उसके बाद बड़ा ऑपरेटर पता है कि अब उसका दिमाग भी गिर गया कि भाई मेरी तो रोज वेल्थ गिर रही है, और अब उसके पैसे भी खत्म हो गए, वो उसको बाजार पे लास्ट हथौड़ा मारते हैं, इतनी तेजी से बाजार को गिराते हैं कि भाई साहब ब्रोकर तो मार्जिन काट देता है आपका, आपके शेयर भी बिक जाते हैं, और जिन लोगों ने शेयर नहीं भी खरीदे हैं जिनके पास अपना पैसा था वो इतना डर जाते हैं कि भाई साहब बाजार में से शेयर्स लेने ही नहीं है। और फिर वही लोग नीचे बाजार को रख के 2-3 महीने माल बटोरते हैं और बाजार फिर 2-4-5-6 महीने बाद ऊपर की तरफ छलांगे मारते हैं। ये बाजार के अंदर उस फिल्म के अंदर भी ये दिखाया हुआ है, यही सेम चीज़ हम बाजार के अंदर समझ भी रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से भी यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। ये आपको अगर बाजार से पैसा कमाना है तो वो फिल्म आपको जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए, पूरी जो सीरीज़ है वो आपको देखनी चाहिए। और मैं उस पूरी सीरीज़ को कम से कम 2 बार तो मैं देख चुका हूँ पूरा, और जो अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है उस फिल्म को, एंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए, एंटरटेनमेंट तो करेगी, उसे लर्निंग जो लाइफ की मिलेंगी वो जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। और इसी तरीके से एक फिल्म मैंने देखी थी ताशकंद फाइल, वो फिल्म भी जो है मुझे एक चीज़ जो है मेरे को एक सीख दे के गई उस फिल्म से कि किस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं या जो बड़े लोग हैं या बिजनेसमैन किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो उस फिल्म से आपको सीखने के लिए मिलेगा। बट मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो ये फिल्म आपको देखनी ज़रूर पड़ेगी। तो ये सारी बातें मैंने आज आपके साथ की, ये जो भी मैं बाजार के बारे में सोचता हूँ, बट मैं बाजार में अब इस समय पर ये मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में बाजार में खरीदने का सही समय आ गया है। और जिनके भी पोर्टफोलियो में यार बाजार में गिरेगी चीज़, यार गिरते हुए डरना मत, ठीक है, बाजार चलेगा, यही सब चीज़ें चलेंगी, हो सकता है कि कुछ 2-4 शेयर्स आपके ना चलें, अगर आपके पास 20 शेयर्स हैं तो 20 में से 17 शेयर जरूर चलेंगे, 3 ना भी चलें बेशक से, अगर आपने अच्छी क्वालिटी के शेयर्स चलें तो, क्योंकि जब भी बाग लगता है बगीचा चलता है तो 20 पौधे लगाते हैं तो वो सारे नहीं हैं, कुछ मुरझा जाते हैं, ये पक्का है। तो आज की ये चर्चा मैं यहीं पर ख़त्म कर दूँ, और बाजार से पैसा कमाना है तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और मैंने आपको जो फिल्म बोली अगर आपने देख रखी है पहले से तो एक बार और देख सकते हैं गुड एंड वेल, और नहीं देखी है तो जरूर से ज़रूर देखिएगा। पहला जो एपिसोड है वो शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन उसके बाद के जितने भी एपिसोड है आपको दमदार लगेंगे। तो मैं ये चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताना तो है ही आपने, इसके अलावा मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूँ, अगर आपको इस पूरी बातों के अंदर सच्चाई लगी और आपको लगता है कि एक स्टॉक मार्केट के निवेशक के हिसाब की मैंने बातें की हैं और आपके दोस्तों को भी ये सारी बातें जाननी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करिएगा। और जो भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी नहीं लगी हो बिल्कुल मत करना, अगर आपको लगता है कि मैंने सही बात की है तो ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करिएगा इस वीडियो को। और मैं अपनी चर्चा और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।